जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। आज उनकी इस यात्रा का तीसरा दिन है। इस दौरान कुशवाहा मधुबनी और अररिया में अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा करेंगे। इस यात्रा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर से नीतीश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखेंगे और समाजवादियों की खो रही विरासत को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। बताते चले कि जहां जहां उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं वहां बहुत ही जोरों शोर के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। दरअसल जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। अब इसी नई पार्टी को लेकर वो बिहार के तमाम जिलों में जाकर वहां के लोगों से मिल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश सरकार ने उन लोगों के साथ कितना छलावा किया है। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में भी वो कई बार जिक्र करते नजर आए हैं। इसी कड़ी में आज उनकी विरासत बचाओ नमन यात्रा मधुबनी और अररिया में हो रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा इस यात्रा के चौथे दिन यानी कि आज मधुबनी में मौजूद हैं, वहीं दोपहर में वो अररिया आएंगे। साथ ही साथ बताते चले कि अपनी इस यात्रा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल ने समतामूलक समाज और उसकी विरासत को बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि कुशवाहा की इस यात्रा का पहला चरण 6 मार्च तक चलेगा जो सिवान में ख़त्म होगा, जबकि दूसरा चरण 16 मार्च से भागलपुर से शुरू होगा और 20 मार्च को शहीद जगदेव प्रसाद की स्मारक पर ख़त्म होगा। इस दौरान कुशवाहा बिहार के 28 जिलों से होते हुए 2 दर्जन से भी अधिक महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर जाएंगे और करीब 100 से भी अधिक जनसभा को संबोधित करेंगे। गाड़ी में वही में खाना भी आई थी ज्यादा।